हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं जीवदानी माता का दर्शन करने। मेरे साथ है अहमद, मेरा दोस्त, और अभी बजे सुबह के 7:15, जो कि विरार में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो चलिए चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम जीवदानी माता के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। बस अब चढ़ाई करनी बाकी है, जो कि 1400 सीढ़ियां है। यहां आप देख सकते हैं, दो मार्ग है ऊपर जाने के लिए, एक सीढ़ियों से और दूसरा है ट्रेन। जो भी व्यक्ति अगर चढ़ नहीं पाता है, या फिर कोई बुजुर्ग है या कोई छोटा बच्चा है, अगर वो चढ़ नहीं पाते तो उन्हें ट्रेन से आप ऊपर जा सकते हैं, ऐसी सोई यहाँ पे की गई है। और दूसरा है सीढ़ियाँ, अगर आप फिजिकली फिट है तो आप सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। 1400 सीढ़ियाँ है, मैं मानता हूँ ये काफ़ी ऊपर है, लेकिन माता की कृपा पानी है तो हमें इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं माता के दर्शन करने। चलिए अहमद, चढ़ाई करने से पहले हम थोड़ी चाय पीते हैं, आ जाओ। ठीक है, चलो। तो मिस्टर मंगेश, क्या चल रहा है आज ऑफिस से छुट्टी लेके? आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, खास जीवदानी माता के दर्शन करने हैं मुझे, और मैं अपने दोस्त अहमद के साथ यहाँ आया हूँ। अभी हम रुके हैं कैंटीन में, जिसे आप देख सकते हैं। बस शुरू करने से पहले, क्योंकि 1400 सीढ़ियाँ है, तो सोचा शुरू करने से पहले थोड़ी एनर्जी ली जाए, तो हम यहाँ चाय और कुछ नाश्ता करने के लिए रुके हैं। आज आपका उपवास भी है मंगेश भाई? उपवास है, ठीक है, शायद माता ने बुलाया आज उपवास के दिन। शायद मेरी परीक्षा है और मुझे खुशी है माता के दर्शन अगर आज मेरे उपवास के दिन होंगे। जय माता दी। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरे कैमरामैन जो है अहमद सैयद, मेरे दोस्त भी है, जो कि नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अभी 1400 सीढ़ियां चढ़नी है, तो थोड़ी पेट पूजा कर रहे हैं। देखिए, मिसल पाव खा रही है। मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता कुछ किया नहीं था, चाय पी के घर से। मैं सोच रहा हूँ अभी मंगेश भाई का नाश्ता उपवास है। हाँ, चाय दे दो। सॉरी मंगेश भाई, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो, क्योंकि नींबू निचोड़ने के बाद अच्छे अच्छे के मुंह में पानी आ जाता है। मंगेश भाई सॉरी यार, आपको उपवास है। बंद कर, पाव पे पाव खाते हुए जरा भी बजट का कुछ सोच नहीं रहे। आज बजट फुल है आपका। माझा मित्र कॅमेरामन अहमद थकलेला आहे आणि तो इथे बसतोय। गजब बेइज्जती है, बहुत ज्यादा जास्त पायऱ्या चढलोय मी। अभी बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी है, मुझे लगता है अभी 100 सीढ़ियाँ हमने चढ़ी है। चप्पल तो चप्पल फिर में निकला दादा, चप्पल ठेवा सांगता है, चप्पल ऊपर रखे भाई, चलो ये। लेकिन ये अहमद भाई रखने नहीं देते चप्पल। ये हमारे मंगेश भाई बार बार बोल रहे चप्पल रखे गए, बैग रखे गए, पर उनको ये पहली बार गए क्या मंदिर? क्योंकि ऊपर और भी स्पॉट्स है रखने के लिए, अपने ऊपर रखे गए। दोस्तों, सीढ़ियाँ हमने क्रॉस की है, माता की कृपा पानी है तो चढ़ाई का तब तो करना ही पड़ेगा। चलिए, किधर लिखा है दोस्तों? अरे कुछ भी मत बोलो यार।
मेरे पैर दुख रहे हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बताया गया बंदरों से सावधान, क्योंकि बंदर इंसान के हाथ में से कुछ भी चीज लेके भाग सकते हैं कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर। ये चुप है, हर छोड़ों पे दिए लगे हुए हैं। अभी तक हम 540 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, 540 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, और ये जो दीदी है उनकी कुछ मन्नत है जो शायद पूरी हो गई है, इसलिए ये दिए जला रहे। हम लोग यहाँ से पूजा की थाली ले रहे हैं। हेलो, हाँ युवानी मैया की, हेलो मंगेश भाई, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा हम लोग फिर से आराम कर लेते, बैठ जाते, ये लीजिए आप, चलते रहिए, थक गए हम, थोड़ा आते 5-10 मिनट में। नहीं झूठ बोल रहा है, नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू, थोड़ी सी थकावट है इसलिए हम रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस चढ़ाई पे शुरुआत करेंगे। बहुत ज्यादा थकने को हो रहा है, मैं बहुत टाइमों के बाद, मतलब बोलते हैं अराउंड कितना 8-9 साल के बाद चढ़ रहा हूँ। हमने थोड़ा सोचा कि मेन ट्रैक से हटके थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चले, थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ से चलते, ताकि हम नेचर का भी आनंद ले सके और चढ़ाई में भी मजा आ जाए। आइए, संभल के आना है मत। हाँ हाँ, अभी ये रास्ते पे चलने मजा आ रहा है, लेकिन इतनी ऊंचाई से आप पूरा शहर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नजारा है। ये एक पीछे का भी एक रास्ता है, पहाड़ के पीछे से आता है जो कच्चा रास्ता है। हम माता के मुख्य दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफी शेड वगैरह लगाई है, ताकि बारिश में जो भक्त है उनकी रक्षा हो सके। जय माता। मंगेश भाई, आखिरकार मैंने आपको प्रवेश दे दिया और भाई काफी आगे निकल चुका हूँ। ये देखिए इनका जो जाग गया है। माता का मंदिर आने के बाद इनके अंदर एक अजीब तरह का जोश आ चुका है, एनर्जी। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसको बोलते पॉजिटिव वाइब्स। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम लोगों को कैमरा रखना पड़ेगा अंदर, क्योंकि कैमरा इधर अलाउड नहीं है। ओके, पुराणों के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने अपने वनवास के समय बनवाया। उन्होंने सतपुरा पर्वतों में एकवीरा माता की एक गुफा में स्थापना की थी, वे इन्हें भगवती जीवदानी कहते थे। पांडवों ने उस समय इस मंदिर के आसपास संतों, ऋषियों और मुनियों के लिए कई गुफाओं का निर्माण किया था। तब से इस क्षेत्र को पांडव डोंगरी के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने पांडव डोंगरी नामक स्थान पर यह मंदिर बनवाकर पूजा करके माता से प्रार्थना की थी कि माता उन्हें शक्ति दे।
पांडवों के बाद स्थान पर संत योगियों ऋषियों का निवास बन गया था। अब हम है जीवदानी की चोटी पर। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा शहर दिखता है। इस माता का नाम जीवदानी इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जीवन दान देने वाली माँ है, इसलिए इसे प्यार से लोग जीवदानी कहते हैं। यहाँ आने पर आपकी जो कोई मनोकामना है वो पूरी होती है। श्रद्धालु अनेक व्रत रखते हैं, कोई सीढ़ियों पर दिए जलाते आता है तो कोई घुटने तले आता है, ये उनकी श्रद्धा है। और माता जीवदानी भी उनकी श्रद्धा को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती, अपने आशीर्वाद से उनकी झोली भर देती है। मंगेश भाई थक चुके हैं, अब पानी का घूंट पी रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको पानी पी के? वैसे तो इतनी प्यास नहीं लगी मुझे, क्योंकि ठंडी का मौसम है। पानी क्यों बहुत है यहाँ पे? पानी ऐसे ही पिया लाया है तो थोड़ा पीना चाहिए। वजन कम कर रहे हो बाइक में का, और वजन को पेट में डाल रहे हो, बताओ क्या सोच है इनकी? अभी हम लोग दर्शन लेके हो चुका है, अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। इतना चिल है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी हम लोग बाहर जाने वाले, और बाहर जाने का रास्ता इधर से है। चुप चुप बिल्कुल चुप। आइए हम साथ में चलते हैं। अब हम प्रस्थान की ओर जा रहे हैं। बस जाते जाते इस नज़ारे को देखते जाते हैं, जो नेचर का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है वो वाकई लाजवाब है। ठंडी की वजह से काफी फॉग है इधर। बोलो कैसा लग रहा है आपको मंदिर आके? कितने दिनों के बाद आए आप मंदिर? 3 साल बाद। चलो अच्छा, खुश हो ना? बढ़िया है। नौकरी लिया हुआ बनी छो? कहा था पकड़? बहुत तेज हो रहे हैं। हम बंद कर लिए हार गलत है। हम अकेला तो वहां पर सर भी ले लो भाई था। मैं भी ले लो। सबको कैसा लग रहा है आप लोगों को मंदिर आके आज? अच्छा लग रहा है। हाँ तो हार भी ले थे हम बेटा। ये खुर्रन का लड़का है। खुर्रन कौन है? मैं रंग का। तू खुर्रन? हेलो चंदू। हेलो चंदू माय डियर फ्रेंड, सॉरी यार तुला कॉल नाही करू शकलो। अहमद ने अचानक प्लॅन बनवला, रात्री 11 वाजता प्लॅन बनवला, सुट्टी आहे म्हणून माहित पडला मला। छुट्टी अगर हम लोग को मालूम पड़ता, हम लोग रात को अचानक प्लान बनाया। आपको कॉल किया था मिस्टर सुधाकर, चंदू जी मतलब सुधाकर। अच्छा आपको कॉल किया था पर आपका कॉल लगा नहीं, स्विच ऑफ, तो फिर मैं सोचा कि मैसेज नहीं छोड़ता आपको। ये सच बोल रहा है, प्लीज माइंड इट, माइंड इट, ध्यान में रखिए, अपना ख्याल रखिए। और आई मिस यू चंदू सर, मिस यू, मिस यू सुधाकर। झूठ बोल रहा है। नीचे से ओला करते क्या? हाँ करते। हम जब दर्शन ले रहे थे तो ये लोग भी हमारे साथ थे, तो आइए इनसे भी इंट्रोडक्शन करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। अमृत तिवारी AMRI TTT03। सचिन तिवारी। कैसा लगा मेरा मजाक? कैटरीना कैफ भी हमारे साथ है और इनमें काफी एनर्जी है। आपको दर्शन करने अच्छा लगा? कैसे प्लान किया इधर आने का? अचानक हमारे तरह ही अचानक से आ गए लोग। थैंक यू। यस 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 यस। खाली क्यों आता? हमारे और एक परम मित्र चंदू जी के लिए एक मैसेज है। अब ये कौन है बे? चंदू भाई हम आपको मिस कर रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मंगेश भाई क्या बोल रहे हैं? मंगेश भाई आप
आपको बैठना है तो बैठ सकते हैं। अच्छा मैं नहीं थका, आप थक चुके। आखिरकार ये आदमी फाइनली थक चुका है, मंगेश भाई हमारे। मुझे अभी उन्होंने अपने पर्सनल मुंह से बताया है कि वो थक चुके हैं, थोड़ा बैठते हैं करके। गजब बेइज्जती है। पर जब भी मैंने कैमरा ऑन किया तो वो बैठने का नाम नहीं ले रहे। दिखावा दिखावा, ये बैठ गए आखिरकार। बैठ भाई, बैठ। कैमरे को थोड़ा रेस्ट देते हैं। ये देखिए मंगेश भाई बैठे हैं, तशरीफ टिकाइए अपनी। मतलब इंसान थक जाता है। ये हमारे मंगेश भाई है जो काफी एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इनके सिक्स पैक निकलने वाला है, कमिंग सून है। इनके अंदर स्टैमिना गजब का है, अच्छे से चढ़ लेते हैं। 1400 सीढ़ियां इन्होंने नॉन स्टॉप चढ़ी है। आप लोग भी जिम करिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए। तीनों एक ही लाइन है ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समरिया बस हो गई मेरी काज। ठीक है, मैं तो थक जाता हूँ मंगेश भाई। चलो वो शॉप में से हमारे क्या हमारे ले लेते हैं। ओके ठीक है, मैं तो थक जाता हूँ भाई, सीधी सी बात है। हाँ हाँ, कैसे छान है, छान दिखता तुम एकदम स्मार्ट हैंडसम ड्यूड। थैंक यू, क्या बोल रहा, पार्टी दिया सुधाकर जी। इधर से अच्छा का सुधाकर जी, वंस अगेन आई मिस यू। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आई एम सॉरी, हमने आपको बुलाया नहीं। नहीं यार, बुलाया था उनको विवाह दादा, पर फोन लगा नहीं उनका। हमने आपको मैसेज नहीं किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, फोन आपका लगा नहीं। देखिए विवाह दादा भी कुछ बोल रहे, वो भी सॉरी दिल से फील कर रहे हैं आपके लिए। सुधाकर जी, चंदू जी हमारे मोस्ट टैलेंटेड फ्रेंड, माननीय हमारे सुधाकर जी, परम पूजने बेस्ट फ्रेंड। अच्छा इंग्लिश बेस्ट है ना, इसके बारे में सुधाकर क्या बोल रहे, क्या बोल, झूठ बोल दो कि याद किया करके। और क्या, सुधाकर यार बहुत याद किया, सॉरी बस हो गया। गजब बेइज्जती है। मैंने तो सच में सुधाकर जी आपको याद किया है। चाहिए तो आप जब मिलोगे मैं आपको डायल लिस्ट भी बता सकता हूँ कि 10:55 पे मैंने आपको कॉल किया था और आपका कॉल नॉट रिचेबल था। तो दोस्तों अभी तो हमारा दर्शन माता जी का पूरा हो गया है और हम आप घर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आज तो जीवदानी माता का दर्शन हुआ है और बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ है। अभी तो हम अपने घर पे जा रहे हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। बाय बाय टाटा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।